आप रात में बहुत बार बाथरूम जाते हैं, यानी आपको मूत्र त्याग बहुत बार करना पड़ता है, यूरिन बहुत बार करना पड़ता है, 2 से ज़्यादा बार करना पड़ता है, तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से अंत तक देखिए। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से बहुत ही एक सहज क्रिया से आप इस कंडीशन को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। प्री सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाए सबसे पहले मेरे वीडियोज को देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। जैसे कि आप जानते हैं, हर दिन लगातार हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे वीडियो शेयर करते हैं जिसकी मदद से आप अपने जीवन को थोड़ा सा ज्यादा और सहज, थोड़ा सा ज्यादा और खुशी के साथ व्यतीत कर पाए। देखिए, रात में यूरिनेशन होने के बहुत सारे कारण होते हैं, यानी आपको अगर डायबिटीज है या आप कोई ऐसी मेडिकेशन पे हैं, यानी डायूरेटिक, जिसकी वजह से भी यूरिनेशन रात में हो सकती है। इनफैक्ट अगर आप कोई ऐसी मेंटल कंडीशन से भी जा रहे हैं जिसकी वजह से आपको बहुत एंग्जाइटी होती है, एंग्शियसनेस आपकी बढ़ी हुई रहती है, उसकी वजह से भी रात में यूरिनेशन हो सकती है। पर अगर आपको ये ऐसे कोई कारण नहीं है, आप डायबिटिक नहीं हैं या आप ऐसे कोई मेडिकेशन पे नहीं हैं या आपके किडनी या लिवर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जो प्रैक्टिस है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये आपको बहुत लाभदायक रहेगी। देखिए, जब आपको एक्चुअली रात में यूरिनेशन होती है या 1 या 2 बार से अगर आपको ज़्यादा बार आपको उठना पड़ता है रात में यूरिन करने के लिए, तो आपकी मेजरली आपकी स्लीप बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। इसकी वजह से आप सुबह में अच्छा महसूस नहीं करते होंगे या आपका आपके काम पर फोकस नहीं रहता होगा। तो इसमें कुछ बातें हैं जो आपको डेफिनेटली याद रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप रात में, स्पेसिफिकली शाम में, बहुत सारा कोई लिक्विड यानी पानी या कोई ऐसे एरिएटेड ड्रिंक्स, कॉफ़ी, अल्कोहल, इन सब चीज़ों का कंजम्पशन ना करें। उसी के साथ आप सोने से पहले कोई भी लिक्विड पदार्थ ना लें। इतना अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो गॉल ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, उसमें लिक्विड इनटेक या लिक्विड की जो मात्रा होगी ऑटोमेटिकली कम रहेगी और आपके चांसेस यूरिन करने के लिए रात में कम होंगे। करना क्या है, देखिए, आपका ये है एल्बो, एल्बो से 4 फिंगर्स नीचे आपकी वो इंद्रवस्थि रहती है, तो एग्जैक्टली 4 फिंगर नीचे यहाँ पर, तो यहाँ पे आप 4 फिंगर्स ले लीजिए इस तरह से, और एग्जैक्टली यहाँ पर आपका है वो मार्मिक एरिया। अब करेंगे क्या, आप केवल 15 से 18 बार, हर एक बार आप केवल 1 सेकेंड का स्टिमुलस देंगे इस तरह से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसे आप दोनों हाथों पर करेंगे। तो केवल इतना याद रखना है कि जब आप ये करते हैं तो आप दिन में 3 बार आप कर सकते हैं इसे, सुबह, दोपहर, शाम में, और ये खाने के रात में आप बाद भी कर सकते हैं, सोने से बिल्कुल पहले भी कर सकते हैं। इसका इफेक्ट आपको पूरी रात रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो इसे बिल्कुल अपने दोस्तों और मित्रों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। प्री सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए।